पंचावन साल है। पंचावन साल ए, इसका रिव्यू देंगे हमारे आजय भैया। यार बहुत बढ़िया डॉक्टर सर, जो ये खारे शेंगदाने है और मसाला है तो जैसे ही खाते ना वो क्रंचीनेस होता है, मतलब ये थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी है ना ये। तीसरी मटके वाला खाया पहले, अभी ओला वाला खाते और इनका भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर लोग तो बिजी होते आपको तो पता ही है, और प्लस इन्होंने और अपना काम बढ़ा दिया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। क्या होगा अपने चैनल पे, क्या आ रहा है? अजय सिंह चौहान फ्रॉम पुणे मेरे चैनल का नाम है। ओके, अभी तो फिलहाल मैं मूवी रिव्यू डाल रहा हूँ चैनल में। ओके, तो हो सके तो मेरे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली, तो अजय भाई के चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे ना आपको बहुत सारे मूवी रिव्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जो कि उसी चैनल पे आप जाओगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल हम आए हैं आज ये देखिए साधना भेड़ मामा भेड़ वाले, जो कि बहुत फेमस है, मतलब 1970 से ऑलमोस्ट 55 ईयर्स हो चुके हैं इस भेड़ को, और ये हमें ट्राई करनी थी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं। और ये है पुणे के स्वारगेट एरिया में, तो यहाँ पे हम देख रहे हो तो ये है सारस बाग और इधर है स्वामी समर्थ मठ, तो उसके एग्जैक्टली सामने, तो गूगल लोकेशन दे दूँगा। और अजय भाई को भी ट्राई करना, देखा था ये रिव्यू? मैंने यूट्यूब पर देखा था इसका रिव्यू। ओके, जो एक फूड व्लॉग है उस पर, तो बहुत बढ़िया क्योंकि बहुत लोगों ने इनके रिव्यू डाले थे, तो यहाँ पे जाते हैं अभी देखते हैं इनकी मिसल कैसी है और ट्राई करके आपको बता दें। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पानी पूरी, शेव पूरी, रगड़ा पूरी, मसाला पूरी, दही पूरी, तो जाते अंदर देखते हैं क्या क्या है इनके पास स्पेशल। सो गाइस हमारे साथ गुरु सर है। तो सर कब से बना, कितने साल से बना था? पंचावन साल। पंचावन साल, क्या बात है। क्या क्या डालते हो इसमें अभी? मुरमुरे। मुरमुरे, ओके। पापड़ी। पापड़ी, बूंदी, सेव, सेव, कांदा, कांदा आएगा, ओके, मटकी, मिर्ची, मिर्ची, मसाला। ओके, तो मसाला अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं ना। ओके, शेंगदाना। शेंगदाना, ये कौन सा खारा शेंगदाना होता है? तो ये प्लेट कितने में आता है? एक ₹50। ओके, और इसके अलावा क्या क्या मिलता है अपने यहाँ पे? इसके अलावा क्या क्या मिलता है अपने यहाँ पे? ओली बेड़ मिलते हैं। ओली बेड़, गोड़ पानी टाकुन, ओली बेड़, गोड़ पानी टाकुन, क्या बात है। मतलब पानी पूरी मिलता है। और इसका टाइमिंग क्या रहता है अपना? हम रोज 9 से संध्या 10। सुबह 9 से रात के 10 बजे तक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये इसका रिव्यू देंगे हमारे अजय भैया। यार बहुत बढ़िया डॉक्टर सर। सो गाइस ये मटकी भाई बहुत दिनों से ट्राई करनी थी, स्पेशली अजय भैया को भी लेके आए। यार रिव्यू देखा था ना यूट्यूब पे? कौन सा यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे? यूट्यूब पे देखा था, तो आज ट्राई कर रहे मटकी भाई, मामा ची मटकी भाई। कैसा टेस्ट? टेस्ट बहुत ही अच्छी है, गुड, तीखी स्पाइसी अच्छी है। ओके, बाकी पर्सन वगैरह भी अच्छा है, मसाला जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। एक बात है, ये मसाला जितना स्पाइसी करना है ना उतना स्पाइसी कर सकते हैं, और स्पाइसी करने के इस ठीक है? नहीं ठीक है। ठीक है रे, क्या और स्पाइसी करना है? नहीं नहीं ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओली बेड़ भी देखते हैं, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ ये कैसी वाली है। ये देखो मसाला, तो ये मसाला लेके ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा स्पाइसी ट्राई कर रहा था, और जब भी स्पाइसी ट्राई करते हो ओमकर भाई की आ जाती है क्योंकि वो बहुत स्पाइसी आता है। बहुत सही है, मतलब क्या है ना इसमें जो एक खारे शेंगदाने है और मसाला है, तो जैसे ही खाते ना वो क्रंचीनेस होता है, और वो मसाला बहुत यूनिक है, मतलब इनका मसाला सब, तो मसाला सेपरेट होता है क्या आपका? हाँ, मतलब ये स्पेशल मसाला बनता है इसके लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मसाले का टेस्ट है ना बहुत अल्टीमेट आ रहा है। और मटकी बेड, और ये मतलब पिछले 50 साल, कितने साल हो गए? 55 साल। तीसरा पीढ़ी काम कर रहा है। मामा के नाम से बहुत फेमस है ना, तो सब मामा आ गए। मामा बहुत बढ़िया। ये है अभी ओली भाई देखते हैं, ओली भाई का रिव्यू भी आज भैया देने वाले।
सुबह इस देखे कितनी भीड़ हो गई तुरंत, और यहाँ पे हमेशा लोग होते हैं, भीड़ होती है। अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम भीड़ खाने के लिए लोग देखे कितने। सर आपका नाम क्या है? दगड़ू भामदास पवार। ओके, तो कितने साल, मतलब आप भी 55 साल से ही हो क्या? आप 55 साल नहीं है, अभी बीच में आया। ओके, क्या बात है, मतलब ये थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी है ना ये? हाँ, तीसरी पीढ़ी। तो अभी कौन सा बना रहे हम? अभी तुमको स्पेशल मंगते का शादी दूँ। स्पेशल बनाओ आपके शहर में। चले, क्या बात है, ये आएगा मुरमुरा। हाँ, थोड़ा मुरमुरा डाल दिया। ओके, पर्सन थोड़ा। ओके, और एक पर्सन। ओके, ये और एक बस सेव, सेव और ये शेंगदाने, शेंगदाने, ये जरा कांदा, कांदा, और ये इमली का पानी, और ये मिर्ची, मिर्ची, थोड़ा कैरी, पार्सल दे, कैरी भी आता है। हाँ, क्या बात है, ये अभी सीजन में आता है ना, सीजन 12 महीने थोड़ा रहता है, 12 महीने नहीं रहता, नहीं रहता, ये अभी ऐसा ही हिलना है। म्हणजे आपले दिवसभरात किती वेळ जातात तरी शाळा? ना ते 300-400, 300-400, क्या बात आहे, फेमस आहे आपला बियर, फेमस आहे, बरोबर। 55 वर्ष आले त्याच्यामुळं, 55 वर्ष आले म्हटल्यावर टेस्ट असणार, टेस्ट एक नंबर आहे, मटकी वेळ घाल, मला बोलवायची जरूरत, बोलवायची जरूरत नाही, आपलं पण गिराईक येते आपल्याकडे, बरोबर, नाही कारण की टेस्ट आहे आणि आता आम्ही मटकी वेळ घाली, सुपर, हा एकदम सुकी मटकी वेळ, राईट। पण आता त्याच्यात जे हे काय म्हणतो आपण, ही आपली ओलीबेळ ना, ओलीबेळ, ओके, हे असा मटकी वाला तिखट, तिखट जो होता है वो जो अपने चॉइस के हिसाब से, हाँ अपने बस। मामा का नाम है? मामा बोलते रामदार थे, वो गाँव गए। ओके, पर उनके वजह से मामा, हाँ वहाँ तो सब लोग आते मामा का, मामा के मामा, मामा बेल दो। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो क्योंकि पुणे में कैसे आपका प्रेम खूब आता है। हाँ, भरपूर है। इसका फिर से ओली भेड़ वाला रिव्यू, अजय भैया विद कैरी, तो ये है ना बेस्ट पार्ट होता है, मतलब कैरी के साथ भेड़ खाना अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। कैसे आली? चांगले, बेस्ट यू, बेस्ट। 10/10 कितना? 10 पे की कितना? हाँ, 10/10. 10/10, क्या बात है, मस्त एकदम। तो अभी हम, मैं ना एक और एक बेल खाता था पूरा, नेक्स्ट वाले इधर फिक्स हो गया। मटकी वाला खाया पहले, अभी ओला वाला खाते, क्लासिक। मतलब देखो हर जगह ना मीठी बेल जो बोलते हैं ओली बेल, वो हर जगह ना ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जैसे हमने एक जगह ट्राई की थी वो यूनिक की थी, वो सांगली बेल थी। ये वाली बेल टेस्ट ना बहुत अल्टीमेट है, मतलब जो इनका पानी है मीठा वाला वो खट्टा मीठा बहुत सही लग रहा है, और उसके ऊपर से ये क्या बोलते उसको कैरी, कैरी में जो काम करते हैं ज़बरदस्त, बेस्ट वाला है। मैं तो मतलब अजय बहन जैसे बोला 10/10, वैसे मैं बोल रहा हूँ 10/10 ही है ये। कुछ लोग मिले और आप हमेशा आते हो यहाँ पे? हाँ, कैसे रहते हैं? बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, खाने के बाद बार बार आने का मन करता है। आप कितने सालों से आ रहे हो जी? मेरा जन्म ही इधर का। अच्छा, इधर ही रहे? बचपन से इधर आ रहे हैं, काजू आए हुए हैं, बहुत पुराना है, स्कूल के टाइम से आते थे। ओके, अपॉन चौक से आने का चलते, शनिवार के दिन इधर आने का, खाने का, और फिर आगे दोनों बसे थे खाई से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पुणे घर मतलब भेड़ यहाँ पर समाधान भैया खूब फेमस है, भैया खाना समाधान होता है। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे साथ अंकल, आपका नाम क्या है? विजय कुमार पवार। विजय कुमार पवार, आप भी मतलब बहुत सालों से काम कर रहे हो। हाँ, तो आपने ये मतलब पानीपुरी, शेवपुरी, रगड़ा पूरी, मसाला पूरी, ये सेपरेट काउंटर है? हाँ, ये पहले से है कि अभी स्टार्ट किया? मतलब नहीं, पहले से है, इसको 10 साल हो गए। ओके, तो अभी क्या बना रहे हम? पानीपुरी। पानीपुरी, ओके, तो पानीपुरी का काउंटर है, तो ये सेपरेट होता है। पानीपुरी कैसे प्लेट होता है आपके यहाँ पे? 25। 25 ओली बेल? 50। 50। और ये अपना मटकी बेल जो आपका आइकॉनिक है, फेमस है, पचास। वो भी है ये, क्या बात है। और बाकी ये पूरा मतलब ये भी सुबह से मिलता है? हाँ, सुबह से दो बजे के, बाकी मटकी बेल सुबह से, सुबह से 10 बजे। रगड़ा, रगड़ा सिर्फ रगड़े के साथ मिलते हैं, आलू भी होता है? आलू नहीं, सिर्फ रगड़ा। मीठा पानी, शेव, हाँ, कांदा, ये बहुत बढ़िया है, मतलब मिक्स करके रखते हैं ना। तो अभी हमारी पानीपुरी ऑलरेडी एक खा चुके हैं दादा, कैसे था? अच्छा, अच्छा था। वंस मोर, वन मोर, एक और पानीपुरी का रिव्यू।
आज डाइट छोड़ दिया भाई ने। अच्छे बहुत बढ़िया। तो इनका पानी पूरी भी आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया भेड़ है। भेड़ अच्छा था। खाना तो एक भेड़, यहाँ पे आके पता चला दो भेड़ मिली है अलग अलग। दोनों ट्राई करी आपने? दोनों क्लास में? दोनों अच्छे थे। मैंने बताया कि जैसे मेरे को भी ट्राई करना था, मैं आया यहाँ पे, अजय भैया मिले तो हमारा प्लान बन गया, क्योंकि हमने बहुत दिनों से ट्राई, मतलब सोच रहे थे कि हम यहाँ पे आएंगे ट्राई करेंगे। भेड़ इज ऑसम, लाइक मैं 10/10 दे रहा हूँ इसको। अब जरूर विजिट करें, गूगल लोकेशन दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी कुछ डिटेल चाहिए कमेंट करके बताना। और ये वीडियो है ना, यही पे कर दो। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।